नमस्कार, कक्षा 12वीं हिंदी ऐच्छिक, अंतराल भाग 2, पाठ नंबर 1। आज हम पढ़ेंगे सूरदास की झोंपड़ी। तो सूरदास की झोंपड़ी पाठ है, प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। प्रेमचंद उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास रंगभूमि एक चर्चित रहा है। सूरदास की झोंपड़ी पाठ इसी उपन्यास का अंश मात्र है। उपन्यास का नायक सूरदास एक दृष्टिहीन व्यक्ति है। जिस प्रकार एक लाचार और बेबस व्यक्ति अपने आप से और समाज से दुखी होता है, सूरदास का चरित्र ठीक इसके विपरीत है। यह प्रवृत्ति सूरदास में बिल्कुल भी नहीं है। वह विपरीत परिस्थितियों का मुकाबला भी दृढ़ निश्चय और उत्साह के साथ करता है। यह कहानी एक अंधे भिखारी सूरदास तथा उसके बेटे मिठुआ को केंद्र में रखकर लिखी गई है। देखिए मुख्य बिंदु देखिए इसके। सूरदास ने भिक्षा मांग मांग कर कुछ पैसे संचित किए हैं, जिससे वह अपनी तीन अभिलाषाएं पूरी करना चाहता है। पहली, संचित धन से पितरों का पिंडदान करना। दूसरा, अपने पुत्र मिठुआ का विवाह करना। तीसरी उसकी अभिलाषा थी गांव के लिए एक कुआं बनवाना। उसी गांव में एक जगधर और भैरव भी रहते थे, जो इस कथा में खलनायक और उपखलनायक के पात्रों के रूप में उभरते हैं। भैरव की पत्नी सुभागी अपने पति की रोज रोज की मार से बचने के लिए सूरदास की झोंपड़ी में शरण ले लेती है। इसी ईर्ष्या भाव के कारण भैरव सूरदास को अपना दुश्मन समझ उससे किसी भी प्रकार बदला लेने की ठान लेता है, जिससे भैरव सूरदास से ईर्ष्या करने लगता है। बदले की आग बुझाने के लिए एक रात भैरव सूरदास की झोंपड़ी में आग लगाने घुसता है। वहीं उसे सूरदास की जमा पूंजी एक पोटली में मिलती है। भैरव वह पोटली चुराकर झोंपड़ी में आग लगा देता है। आग बुझाने पूरा गांव इकट्ठा होता है। सभी आग बुझाने तथा अपराधी का नाम सोचने का कार्य करते हैं, किंतु सूरदास की मनस्थिति उस समय निराशापूर्ण होती है। वह आश्चर्यचकित दुखी तथा निराश था। उसके मन में केवल एक ही बात थी कि वह किसी प्रकार झोंपड़ी में जाकर अपनी पोटली निकाल लाना चाहता था। उसे अपनी मनोकामनाएं पोटली के साथ जलती नजर आ रही थी। झोंपड़ी के जल जाने पर सूरदास झोंपड़ी में अपनी पोटली तलाशने जाता है। वहां पर चारों ओर फूस की राख थी। उसे महसूस होता है कि आग में केवल फूस ही नहीं, उसकी तीनों अभिलाषाएं भी जल गई हैं। ढूंढने पर भी उसे पोटली वहां पर नहीं मिलती है। आज जगदा सूरदास की झोंपड़ी जलने के पीछे भैरव को जिम्मेदार समझ कर भैरव के पास जाता है। वहां उसे पता चलता है कि भैरव ने झोंपड़ी जलाने से पहले सूरदास की पोटली भी चुराई थी। जगधर के मन में पैसों को देखकर ईर्ष्या का भाव जगता है कि भैरव को रातों रात बिना मेहनत किए पैसे मिल गए तो उसे भी ये प्राप्त होने चाहिए। इसी की धमकी दी वह भैरव को देता है कि यदि तुमने मुझे आधे पैसे नहीं दिए तो मैं ये राज सूरदास को बता दूंगा। भैरव ने पैसे देने के लिए मना कर दिया। इसी ईर्ष्या की भावना में आकर जगदा सूरदास को भैरव की चोरी के विषय में बताता है, किंतु सूरदास अपनी इस आर्थिक हानि को जगदर से गुप्त रखना चाहता है, क्योंकि एक गरीब के पास इतने पैसे होना उसके लिए लज्जा की बात है। सुभागी जो जगदर और सूरदास की बातें सुन रही थी, वह सूरदास से सहानुभूति रखती थी तथा पोटली वापस लाने का संकल्प लेती है। सूरदास अपनी दशा पर दुखी था, किंतु अपने पुत्र और उसके मित्रों की यह बात सुनकर कि खेल में कोई रोता है, वह इस जीवन को एक खेल मानता है
उसकी मनोदशा बदल जाती है तथा वह एक खिलाड़ी की भांति उत्साह और आत्मविश्वास से भर जाता है जो अगला खेल खेलने को तैयार होता है। सूरदास की हार ना मानने की प्रवृत्ति उसमें विजय गर्व की तरंग भर देती है। अब प्रश्न उत्तर देखिए बच्चों, भैरव ने सूरदास की झोपड़ी क्यों जलाई? भैरव ने सूरदास की झोपड़ी बदला लेने की जलाई। वह कई बार कई कारणों से सूरदास से बदला लेना चाहता था। सुहागी को शरण देने के कारण, भैरव अपनी पत्नी सुहागी को रोज नशे में पीटता था। एक दिन भैरव को मार से बचकर वह सूरदास की शरण में गई। सूरदास ने उसे शरण देकर भैरव की मार से बचाया जिससे भैरव की उसे जग हसाई हुई। दूसरा पॉइंट है, भैरव के मन में सूरदास के प्रति ईर्ष्या भाव के कारण सुहागी द्वारा बार बार पति की मार से बचने हेतु सूरदास के घर में जाकर छिप जाना व सूरदास के द्वारा बीच बचाव करके सुहागी को भैरव से बचाना ही भैरव के मन के ईर्ष्या भाव जगा देती है। वह सूरदास से बदला लेने का निश्चय कर बैठता है। और दूसरा क्वेश्चन देखिए, तो हम 100 लाख बार बचाएंगे, इस कथन के संदर्भ में सूरदास के चरित्र की विवेचना कीजिए। अब देखिए, सूरदास जो है कभी भी हार ना मानने की उसमें प्रवृत्ति है। सूरदास जीवन के विषय में प्रतिकूल स्थितियों में भी हार नहीं मानता है। वह परिश्रमी है और मेहनत करने के लिए वो तैयार हो जाता है। आगे है, कर्मशील है। सूरदास एक मेहनती व्यक्ति है। अंधा होने पर भी उससे इतने पैसे जमा किए तथा आगे भी मेहनत करके करने से कतराता नहीं है। आगे तीसरा पॉइंट देखिए, प्रतिशोध की भावना से मुक्त। सूरदास किसी से भी प्रतिशोध लेने की भावना नहीं रखता है। भैरव के विषय में पता चलने पर भी वह उसे नुकसान पहुंचाने की नहीं सोचता है। आगे निर्णय लेने की क्षमता। सूरदास किसी भी परिस्थिति को केवल मौन रहकर उसे स्वयं पर हावी नहीं होने देता है। वह तुरंत सकारात्मक निर्णय लेकर जीवन में आगे बढ़ता है। झोंपड़ी जलने पर भी उसने यही किया। आगे है परोपकारी। सूरदास कोमल हृदय का है जिसने स्वयं पर संकट आने का अंदेशा होने पर भी सुहागी को शरण दी। अंत में सुहागी के लिए बेघर होने का जिम्मेदार वह स्वयं को ही मानता है। आगे आशावादी दृष्टिकोण। मिठुआ के खेल की बात सुनकर सूरदास के मन में भविष्य के प्रति नवीन आशा जागृत होती है। वह अतीत को भूलकर भविष्य के बारे में सोचता है। धन्यवाद।